चर्चा के इस सत्र में सभी दर्शकों का स्वागत, नमस्कार। इस सत्र में हमारे बीच में विषय विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं त्रिपुरा विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार मैडम, धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि आंकड़े संकलन करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है और पार्श्वचित्र एक महत्वपूर्ण पद्धति है जिसकी मदद से हम आंकड़ों का संकलन कर सकते हैं। आज इसी विषय में हमारे विषय विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ये पार्श्वचित्र होता क्या है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या मतलब है कि ये पार्श्वचित्र कैसे होता है और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को इस बारे में बताइए। देखिए मैडम, पार्श्वचित्र को अंग्रेजी में पोर्टफोलियो कहते हैं। अच्छा, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो जी, जी। और इसको हिंदी में पार्श्वचित्र कहते हैं, आपने बताई दिया जी। आप समझते हैं पार्श्वचित्र अभिलेख होता क्या है जी? बहुत सिंपल सी बात है और हमारे बहुत सारे शिक्षक इन कार्यों को करते हैं विद्यालय में, ठीक है, लेकिन हम बताते हैं कि उसका कंसेप्ट क्या है जी। पार्श्वचित्र अवलेख आंकड़े संकलन का वह उपकरण है जिसमें छात्रों के उद्देश्यपूर्ण ढंग से चुने हुए उत्तम कार्यों को व्यवस्थित ढंग से सम्मिलित किया जाता है। अच्छा, ठीक है। उद्देश्यपूर्ण वर्ड यहाँ महत्वपूर्ण है, ठीक है। उद्देश्यपूर्ण चयनित किए गए, यानी जो छात्र उत्तम कार्य करते हैं उनका हमको चुनाव करना होता है, ये डिसाइड करना होता है कि छात्र का कौन सा कार्य उत्तम है। कोई छात्र पेंटिंग अच्छी करता है, किसी छात्र का मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है, कोई छात्र नाटक पर मंचन अच्छा करता है, कोई छात्र जो है रेसिंग में बहुत अच्छा है, अलग अलग विशेषता। तो सर्वश्रेष्ठ कला उसकी कौन सी है, उन सर्वश्रेष्ठ कलाओं का संकलन जिस चीज में किया जाता है उसको हम जो है पोर्टफोलियो कहते हैं, पार्श्वचित्र कहते हैं, ठीक है। एक उदाहरण के रूप में हम बता देते हैं, जैसे यदि किसी विद्यार्थी के रचनात्मक लेखनों का संग्रह किया जाता है जिसकी समय अवधि 6 मास है, शिक्षक ने समय अवधि कुछ भी हो सकती है, बिल्कुल ठीक है, तो अध्यापक व छात्र दोनों को पता चल जाएगा कि पहले छात्रों को रचनात्मक लेखन कैसा था और अब कैसा है, अब कैसा है, पहले वो किस तरह की व्याकरण की त्रुटि करता था उसमें क्या सुधार हुआ है, पहले वाक्य रचना कैसी थी अब वाक्य रचना कैसी है, पहले उसका प्रस्तुतीकरण कैसा था अब कैसा है, ठीक है, विषय वस्तु का संगठन कैसा है, तर्क देने की क्षमता में क्या सुधार हुआ है, उसका प्रस्तुतीकरण में क्या संगठन आया है, ठीक है। तो पहले के रचनात्मक लेखन तथा बाद के रचनात्मक लेखनों में हम फर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। जैसे कि छोटा बच्चा है, पहले तो वो जैसे वर्णमाला के अक्षर लिखता है तो कितने ओटक मेटक गलतियां करता है ना, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है तो उसकी राइटिंग में सुधार आता है, सुंदर सुंदर लिखने लगता है, ठीक है, लाइन में फॉन्ट साइज मार्जिन ये जो है बड़ी अच्छी उसकी, तो धीरे धीरे पता चल जाता है कि जो है सुधार होता है। इसके देखिए, न केवल शिक्षक पोर्टफोलियो बनाता है बल्कि हम अभिभावक भी पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, आपके कोई बच्चा का जन्म हुआ तो क्या करते हैं, छोटे बच्चे का फोटो लगाते हैं, पहली साल में, दूसरी साल में फोटो लगा दिया, तीसरी साल में फोटो खींच के लगा दिया, बिल्कुल बिल्कुल, चौथी साल में लगा दिया, तो पता चलता है कि जब हमारा बच्चा पैदा हुआ था कैसा था और एक 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 साल पर जल के इसमें क्या क्या परिवर्तन है, क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तन आए, क्या वृद्धि हुई, कैसे सारी डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीजों को जान जाते हैं कि नहीं। तो ये संकलन क्या है, पोर्टफोलियो, और आपका बच्चा आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कृति है, ठीक है ना। तो जो सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं उनका संकलन करना, व्यवस्थित रूप से रखना ही पोर्टफोलियो है, व्यवस्थित रूप से और उद्देश्यपूर्ण ढंग का सर्वश्रेष्ठ कार्य, इसकी गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो इसको हम जो है पोर्टफोलियो कहते हैं। सर, इसके ये इसमें कई किस्में होती हैं या क्या है इसका, कितने प्रकार का पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है? पोर्टफोलियो कई प्रकार के होते हैं मैडम, लेकिन इस प्रश्न पर आने से पहले हम ये जान लें कि इसकी ज़रूरत क्या है जी। इसकी ज़रूरत इसलिए है कि किसी समय अंतराल में छात्रों की उपलब्धि में क्या वृद्धि हुई है, ये जानने के लिए पोर्टफोलियो हमें मदद करता है। अच्छा, ठीक है। तो उस वृद्धि को जान सक, अपेक्षित वृद्धि हुई है जैसा हम चाह रहे हैं वैसी हुई है या कुछ कमी रह गई है, तो यहाँ से क्या है कि न केवल छात्र को स्वचिंतन करने के लिए मौका मिलता है बल्कि टीचर को भी पता चलता चल जाता है कि भाई ये इसका निर्बल पक्ष है, ये इसका सबल पक्ष है, कितना विकास हो रहा है। तो जो निर्बल पक्ष है उस पर जो है छात्र और शिक्षक दोनों मिलके
कार्य कर सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो इसलिए जो है ये जरूरी होता है। और दूसरी बात ये है, जब हमको पता चल जाता है कि हमारी ये कमियां हैं तो हम पर्पसफुल हो जाते हैं, बिल्कुल उस पर कार्य करने लगते हैं, और हमारा जो लेवल ऑफ एस्पिरेशन है, आकांक्षा स्तर है, ऊंचे जाने के जो हमारी आकांक्षा है, जो चाह है, बढ़ जाती है। जब हमारी चाह बढ़ जाती है, आकांक्षा स्तर बढ़ जाता है, तो समझ लीजिए हम उच्च लेवल के उद्देश्यों का निर्धारण कर रहे हैं। जब हम उद्देश्यों का निर्धारण करने लग जाते हैं तो उनको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है, नहीं एफर्ट्स लगाते हैं उसमें जो है। तो छात्र, अध्यापक, अभिभावक आपस में संप्रेषण हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स के रोल को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो पोर्टफोलियो के संकलन से ना केवल छात्र को और ना केवल शिक्षक को, बल्कि माता पिता को भी पता चल जाता है कि हमारे बच्चे में क्या कमियां हैं, क्या योग्यता है, और ये इसकी भविष्य में क्या बनने की संभावना है, ठीक है। जैसे कोई छात्र है पेंटिंग अच्छा कर रहा है, ठीक है, नहीं साल दर साल जो है अच्छी अच्छी पेंटिंग आ रही है, तो जो है लगता है कि ये जो है इसकी पेंटर रुझान जो है पेंटिंग में है और अच्छा पेंटर बन सकता है। जैसे कोई मैथ्स में बच्चा अच्छा बहुत आसानी से सवाल करने लगता है या अच्छे नंबर लाने लगता है, तो माता पिता ये अवधारणा बना लेते हैं कि हमारा बच्चा मैथ्स में अच्छा है, ठीक है, नहीं बिल्कुल। तो अगर आपको बच्चे की क्षमताओं का पहले ही मालूम पड़ गया तो उसको तराशने के लिए आप वो सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं, प्रयत्न करते हैं, ठीक है, नहीं और अच्छे अच्छे कंसल्टेशन, मोटिवेशन, ये सारी चीजें जो है उसको अच्छा मजा हुआ खिलाड़ी उस फील्ड में इस तरह के संकलन से बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए पोर्टफोलियो की जरूरत है। तो पोर्टफोलियो के द्वारा हम जो है छात्रों के निर्बल पक्ष, सबल पक्ष को जानते हैं। ये ना केवल स्वचिंतन में मदद करता है बल्कि उद्देश्य निर्धारण में भी मदद करता है। तो जैसे आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया कि पार्श्वचित्र के प्रकार क्या हैं, पार्श्वचित्र कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे दर्शकों के कोर्स के हिसाब से जो है हमने दो पार्श्वचित्र का चयन किया जिसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। जब हमको छात्रों की वृद्धि के बारे में जानना हो तो हम वृद्धि पार्श्वचित्र बनाए। समय परिवर्तन के साथ विद्यार्थियों में हुए परिवर्तनों एवं वृद्धि को जानना इसका उद्देश्य हो। विद्यार्थियों के प्रक्रियागत कौशलों जैसे स्व मूल्यांकन की टेक्निक डेवलप करना, स्व उद्देश्य निर्धारण में मदद करने का जब हमारा उद्देश्य हो तो वृद्धि पार्श्वचित्र बनाएं। विद्यार्थियों के सबल पक्ष, निर्बल पक्ष को जानना हो, यह जानना हो कि विद्यार्थियों के निष्पादन में क्या वृद्धि हुई है, और वृद्धि पार्श्वचित्र अधिगम की प्रक्रिया पर बल देता है, ठीक है, क्योंकि ये अधिगम की प्रक्रिया के दौरान बनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जैसे कि आपने बनाया कि हम पोर्टफोलियो हर 3 महीने पे बनाएंगे तो पहले 3 महीने पे क्या था, अगले 3 महीने पे क्या है, तो पता चल जाएगा। बिल्कुल, अधिगम की प्रक्रिया कैसी है, बिल्कुल बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल या बुरी है, उसमें सुधार करने का। तो जब अधिगम की प्रक्रिया पर बल देने का हमारा उद्देश्य हो तो हम जो है वृद्धि पार्श्वचित्र पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि पूर्व तथा पश्च लेखन सुंदरता एवं शैली में होने वाला परिवर्तन वृद्धि पाश्चित्र का उदाहरण है, अच्छा, ठीक है कि नहीं। और एक होता है प्रदर्शन मंजूसा पाश्चित्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं शोकेस पोर्टफोलियो, ठीक है। शोकेस पोर्टफोलियो ज्यादातर जो है सत्र के अंत में छात्रों की उपलब्धि को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है, और इसमें छात्रों के सर्वश्रेष्ठ कार्यों का संकलन किया जाता है, और वो कार्य संकलित किए जाते हैं जो छात्रों के पसंदीदा हो, जिस छात्र का है उसका सर्वश्रेष्ठ पसंदीदा हो। आपकी पसंद महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं, बच्चे की पसंद महत्वपूर्ण है कि बच्चा किसको सर्वश्रेष्ठ समझ सकता है। लेकिन आप शिक्षक हैं, आप छात्र के साथ वार्ता कर सकते हैं कि चयन ऐसे करते हैं, मार्गदर्शक का काम कर सकते हैं कि भाई सर्वश्रेष्ठ का क्या उदाहरण है, मानदंड क्या है, मानदंड क्या, लेकिन फाइनल जो डिसीजन होगा वो छात्र का होगा, ठीक है। उसमें अपने डिसीजन को थोपे नहीं, ठीक है, उसको अपने हिसाब से उसको डिसीजन लेने में मदद करें, आप भूमिका बनाएं, ठीक है, लेकिन डिसीजन उसी से कराएं, क्योंकि जब हम स्वयं डिसीजन लेते हैं किसी कार्य के लिए तो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो एक अकाउंटेबिलिटी की भावना पोर्टफोलियो के द्वारा जो है छात्र में आ जाती है। और प्रदर्शन मंजूसा में जैसे कि छात्र कोई अच्छा गाना गा रहा है छात्र जो, तो उसकी ऑडियो बना लीजिए, वीडियो बना लीजिए, सीडी या डीवीडी के रूप में उसमें पोर्टफोलियो में उसको संकलित कर दीजिए, ठीक है। अच्छी पेंटिंग बनाई है तो उसको रख दीजिए सत्र के अंत में, उसको प्रदर्शनी में लगाइए पोर्टफोलियो को। तो इस तरह का जो होता है उसको प्रदर्शन मंजूसा जो है पार्श्वचित्र जो है बोलते हैं। सर, पार्श्वचित्र का निर्माण कैसे किया जाता है, ये दोनों प्रकार की जो पार्श्वचित्र हैं
वृद्धि निर्माण और मंजूषा पार्श्वचित्र, इसका निर्माण करने की प्रक्रिया या उद्देश्य ये है? पहले तो आप ये डिसाइड करें कि किस तरह का पार्श्वचित्र आप बनाएंगे जी। ठीक है, अगर आपका उद्देश्य वृद्धि को जानना है तो वृद्धि पार्श्वचित्र बनाएं। ठीक है, और अगर आपका उद्देश्य छात्रों के सर्वश्रेष्ठ कार्यों, रचनाओं आदि का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो प्रदर्शन शोकेस पोर्टफोलियो बनाएं। उसके बाद जो है आपको ये डिसीजन लेना है कि उस पोर्टफोलियो को देख कौन सकेगा। अच्छा, अब हर आदमी को नहीं दिखा सकते आप। अच्छा, क्योंकि छात्र का है। अच्छा अच्छा, छात्र की व्यक्तिगत भावनाओं का हमको ध्यान रखना है। बिल्कुल, तो इसको देख कौन, सामान्यतः आपके जो छात्र की कक्षा में पढ़ने वाले छात्र हैं या उसके सीनियर जो छात्र हैं वो देख सकते हैं। अच्छा, आपका शिक्षक देख सकता है। अच्छा, माता पिता देख सकते हैं। ठीक है, या कोई बाहर से कोई अतिथि आ रहा है वो देख सकता है। इसका डिसाइड विद्यालय करेगा कि कौन आ रहा है, विषय विशेषज्ञ मतलब कोई हो सकता है, जैसे कि साइंस विज्ञान में किसी ने कोई इनोवेटिव चीज बनाई है तो उस बाहर से कोई विशेषज्ञ हाँ तो उसको उनकी टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नहीं तो उसके लिए हम क्या करें कि जो पोर्टफोलियो है ना उसमें एक कंटेंट टेबल लगा दें, उसमें पेज नंबर भी डाल दें ताकि उसको ढूंढने में दिक्कत ना हो कि कौन से पेज पे क्या है क्या है। ठीक है, नहीं उसके बाद विषय वस्तु, अब ये डिसीजन करना है कि पोर्टफोलियो में हम किस तरह की विषय वस्तु रखें। पोर्टफोलियो में विषय वस्तु रखने के लिए आप निम्न प्रश्नों पर विचार करें और पोर्टफोलियो में कौन सी चीज रखी जाएगी इसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन छात्रों के द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्य जैसे कोई निबंध है, चित्रकारी है, परियोजना है, पत्र है, सामान्यतः आदि रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त यदि छात्र ने किसी नाटक में अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसको तो कागज के रूप में रख नहीं सकते, तो उसके लिए DVD CD बना लें। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी रिकॉर्डिंग को रखें। और आजकल तो मल्टीमीडिया का जमाना है। ठीक है, छात्रों द्वारा बनाए गए चार्ट, ग्राफ, मशीन, पोस्टर, प्रयोगशाला परीक्षण, कोई परीक्षण रिपोर्ट है, इन सभी पर छात्र की टिप्पणी आदि को भी उसमें जो है संकलित किया जाता है। ठीक है, केवल उस पर छात्र का जो कार्य वो नहीं रखा जाएगा बल्कि उस कार्य के बारे में छात्र के क्या विचार हैं वो भी महत्वपूर्ण है, वो भी उसी पोर्टफोलियो में रखे जाएंगे। उसके बाद समावेशन की बात आती है कि मानदंड क्या है। ठीक है, पहले तो आप ये डिसाइड करें कि आपका मतलब जो है उद्देश्य क्या है। जैसे कि मेरा पहला उद्देश्य है कि मैं छात्रों में जो वृद्धि हो रही है, जो प्रोग्रेस वो कर रहे हैं उसको प्रदर्शित करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो उसके लिए समावेशन करें, उसके लिए क्या करें, कार्य तो आप ही डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, ठीक है, तो पहले का कार्य और बाद का कार्य दोनों को एक साथ, तो पता चल जाएगा कि क्या वृद्धि हुई, पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, क्योंकि दोनों में अंतर करना, तुलना बहुत जरूरी है कि ग्रोथ हो रही है। जैसे पहले कोई मैथमेटिक्स में पहले कोई अचीवमेंट टेस्ट का स्कोर और बाद के स्कोर जो है तो पता चलेगा कि क्या अंतर आया है, नीचे जा रहा है बच्चा या ऊपर जा रहा है बच्चा। और उस पे जो है टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है, आपको टिप्पणी भी लिखवानी है। और जब टिप्पणी लिख के उसको पता चल जाएगी मेरी क्या स्थिति है तो भविष्य के गोल निर्धारण करने में भी जो है उसको जो है मदद मिलती है। दूसरा आपका उद्देश्य होता है सबल एवं निर्बल पक्षों का पहचान करना। अच्छा, ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करें, ऐसे कार्यों का संकलन जो छात्र के सबल एवं निर्बल पक्षों को उजागर करते हों उनको रखें जी। जैसे किसी छात्र की चित्रकारी में बहुत अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका सबल पक्ष हो गया, लेकिन गणित में वो कमजोर हो सकता है। तो दोनों सारे पक्ष सबल नहीं हो सकते, सारे निर्बल नहीं होते। बिल्कुल, तो गणित में वो कमजोर क्यों है ये टिप्पणी लिखवानी है, उसके व्यक्तिगत विचार, भाई तुम ऐसा क्यों हो रहा है तुम ही बताओ, आप ही बताओ। ठीक है, और चित्रकारी में तुम सर्वश्रेष्ठ क्यों हो ये भी बताओ, तो पता चल जाएगा उसकी रुचि, अभी उसकी रुचि सब 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 कुछ बताएगा। हो सकता है कि गणित में रुचि ना होने का कारण टीचर का अच्छा ना होना भी हो सकता है, वो परिस्थिति है, उसको डर लगता है, एंजाइटी है, या टीचर की टीचिंग पसंद नहीं आती है, बिल्कुल, इस वजह से वो मैथ्स से पीछे भागता है। हां, या मैथमेटिक्स में उसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है जिसको डिसकैल्कुलिया बोलते हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है कि नहीं, बिल्कुल। और तो अब है कि विषय वस्तु का चयन कब करें, विषय वस्तु का चयन जब करें जब कोई कार्य पूर्ण हो गया हो या कोई निश्चित इंटरवल पे, दूसरे तीसरे चौथे सप्ताह में या तिमाही पे, चतुर्मास में या छमाही पे या किसी सत्र के अंत में या कोई यूनिट की समाप्ति पे, तिमाही पे या सेमेस्टर में या सत्र के अंत में, जैसा आप चाहें, आपके ऊपर निर्भर करता है। टीचर के रूप में आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से इंटरवल के हिसाब से जो है पोर्टफोलियो में आप जो है चीज़ों को संकलन करेंगे आप जो है। तो अब यह है कि विषय वस्तु का चयन किसके द्वारा, इन विषय वस्तु का चयन करेगा कौन? तो सबसे पहले तो विद्यार्थी अपने कार्य का चयन निर्धारण
निर्धारित मापदंडों पर आधारित करके स्वयं करते हैं। शिक्षक द्वारा भी कर सकते हैं, जैसे कि जब छात्रों के सर्वश्रेष्ठ कार्यों को शोकेस यानी प्रदर्शन मंजूषा पार्श्वचित्र में प्रदर्शित करना हो तो वहाँ पे जो है शिक्षक का जो है विचार जो है टिप्पणी महत्वपूर्ण है। शिक्षक छात्र दोनों मिलके भी कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन करके भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो छात्र हैं जो साथ में पढ़ते हैं उनसे भी छात्र आपस में डिस्कस करके जो है वो छात्र भी उसकी मदद कर सकते हैं कि भाई बताइए ये कार्य कैसा है, आपको कैसा लग रहा है, क्या कमी है, तो उसके साथ ही सहपाठी जो सहपाठी है उसका आंकलन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना होगा क्योंकि सहपाठी है, आपस में थोड़ा मतलब जो है कंपटीशन और वो या कुछ जरूरत से ज्यादा अगर दोस्ती होगी तो बायसनेस भी आ सकती है, क्योंकि बच्चे हैं कुछ भी थोड़ा इस चीज में थोड़ा सावधानी बरतनी, ये झगड़े की जड़ भी होती है थोड़ी, तो माता पिता का भी आप कमेंट ली जा सकती है कि वो कौन से अपने बच्चे के कौन से कार्य को जो है सराहते हैं प्रभावशाली मानते हैं, अप्रत्याशित या उत्कृष्ट मानते हैं, तो इनके द्वारा जो है हम कौन सी विषय वस्तु कौन से कार्य को पोर्टफोलियो में रखेंगे वो जो है डिसाइड कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। अब यह है कि चुनने के मानदंड क्या है, ठीक है भाई आपने ये तो तय कर लिया कि सर्वश्रेष्ठ कार्यों को रखेंगे, लेकिन सर्वश्रेष्ठ की कुछ परिभाषा है कि नहीं, ठीक है नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ क्या है, सर्वश्रेष्ठ ये है कोई सर्वश्रेष्ठ प्रभावशाली एवं अप्रत्याशित कार्य जो कार्य छात्र की उपलब्धि में वृद्धि को प्रदर्शित करता हो उसको रख लो, जैसे चित्रकारी पहले की और बाद की, कोई किसी ने बहुत अच्छी पोइम लिखी है, पहले कैसी पोइम लिखता था बाद में कैसे पोइम लिखता था ऐसे रख सकते हैं। उपलब्धि का प्रमाण जैसे गणित में किसी की असाधारण उपलब्धि हो उसको रख लो, या किसी बच्चे ने कोई आविष्कार किया हो, ठीक है कि नहीं, अच्छा प्रोजेक्ट बनाया हो कोई इन्वेंशन किया हो, एक तो आविष्कार में, एक तो हमारा देश वैसे ही पीछे है, ठीक है नहीं, तो आविष्कार किया हो तो उसको रखो तो उसको एक मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन अभिप्रेरणा, जैसे कि बल्ब किसने बनाया, एडिसन ने बनाया, वो बल्ब आज भी एडिसन के विद्यालय में, तो वो क्या है, पोर्टफोलियो है, बच्चे के आविष्कार का संकलन है, तो अब कोई भी एडिसन के विद्यालय में आएगा तो उसको वो देखेगा, दिखाई दे रहा है, हम सारे लोग देख रहे हैं कि बल्ब क्या है, सारे उससे लाभान्वित हो रहे हैं, तो ऐसे उत्कृष्ट कार्य जो है पोर्टफोलियो में रखे जाए जो हाई लेवल के हों, या आपने कोई मानदंड बना रखा है कि भाई इन मानदंड ये मानदंड है, इस मानदंड पे आपका कार्य खरा उतरता है तो इसको हम इसमें जो है रख सकते हैं। इससे दूसरे साथियों को भी मोटिवेशन मिलता है कि अगर उसका पोर्टफोलियो है, उसके काम है, तो मैं भी कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरा भी पोर्टफोलियो बने, पोर्टफोलियो। और दूसरी यह है कि छात्र का पसंदीदा सबसे महत्वपूर्ण कार्य, बिल्कुल छात्र की पसंद महत्वपूर्ण है, अगर छात्र ये महसूस करता है कि नहीं ये अच्छा नहीं है तो पोर्टफोलियो कोई मतलब नहीं है, स्वयं महसूस करें, स्वयं पे गर्व हो, उत्कृष्टता हो, प्रसन्नता का भाव आए मन में छात्र के, वो उस कार्य को ये एक मापदंड है उसमें रखने का, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगला जो है महत्वपूर्ण बिंदु है मैडम जो है इस पे टिप्पणी जी, ठीक है, टिप्पणी कैसे, हाँ टिप्पणी कैसे, जब हम कोई भी चीज बनाते हैं तो हमको तो अच्छी लगती है क्योंकि हमने बनाई है, लेकिन उसकी गुणवत्ता, उसकी उपयोगिता दूसरे लोग निर्धारण करते हैं जो उसको देखते हैं, उपयोग करते हैं, ठीक है कि नहीं, तो छात्र ने बनाई है तो टिप्पणी महत्वपूर्ण है, जैसे कि जो है क्योंकि ये स्वचिंतन करने का अवसर प्रदान करती है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वचिंतन कब होगा, जब छात्र टिप्पणी लिखेंगे, टिप्पणी का मतलब स्वयं लिखेंगे, स्वयं क्या सोचते हैं, स्वयं विचार लिखेंगे, जैसे कि आप कुछ इस कोई सर्वश्रेष्ठ कार्य का चयन किया है, जैसे किसी छात्र ने पेंटिंग का चयन किया है कि भाई मेरा मेरी ये पेंटिंग सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, तो उससे आप प्रश्न पूछेंगे बेटा ये बताओ आपने इस पेंटिंग का चयन क्यों किया, ठीक है, इस पेंटिंग से क्या हाँ, संदेश देना चाहते हैं, आपको पार्श्वचित्र में इस कार्य को संकलित क्यों किया जाए, यानी पेंटिंग को संकलित क्यों किया जाए ये बताओ, यह कार्य आपके पार्श्वचित्र के चयन के लिए कौन कौन से मानदंडों को पूर्ण कर रहा है, यदि टीचर ने बनाया है पहले तो, ठीक है, तो वो अब छात्र लिखेगा मैंने इस पेंटिंग को इसलिए चुना क्योंकि, अब वो अपने तर्क लिखेगा, ठीक है, तो छात्र अपने विभिन्न तर्क देगा, तो यहाँ से उसने न केवल तर्क देने की क्षमता विकसित होगी बल्कि तर्कों को कैसे व्यवस्थित तरीके से लिखा जाए वो भी लिखेगा, आप फोर्सफुली लिखवाएंगे ना तो उसको बोझ लगेगा, बिल्कुल, जब लगेगा नहीं अब मैं मुझे यहाँ ये तर्क देना है कि ये मेरी पेंटिंग जो है सेलेक्ट हो जाए पोर्टफोलियो के लिए, स्वयं रचित है तो स्वयं हाँ, रचित चीज तो को लिखेगा, परेशानी भी नहीं, परेशानी भी नहीं, उसको आनंद भी आएगा, आनंद आएगा, हाँ अच्छा, वृद्धि, वृद्धि प्रश्न है, उसकी वृद्धि जाननी है, वृद्धि से संबंधित जो है
क्या ग्रोथ हुई है, क्या अचीवमेंट है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे कि बेटे बताओ कि आपके इस कार्य के क्या सबल पक्ष हैं और क्या निर्बल पक्ष हैं। हाँ, यदि आपके पास अतिरिक्त समय होता तो आप इस कार्य को सुधारने के लिए और क्या क्या करते वो लिखो। अच्छा, पिछले एक वर्ष में आपके कार्य में क्या परिवर्तन आए, एक साल पहले जो पेंटिंग थी वो और अब जो आपने बनाई है इसमें क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी लिखो। अच्छा, इस कार्य के प्रारंभ में आप क्या नहीं जानते थे, भाई रोजाना हम चीजों को सीखते हैं, नई चीजों का डेवलपमेंट होता है, नई इमेजिन पावर आती है, तो पहले जो पेंटिंग थी इस पेंटिंग थी इसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो कार्य पूर्ण करने के दौरान आपने क्या सीखा, पेंटिंग बनाने के दौरान, इसको लिखो। अच्छा, आप अपनी उन्नति को कैसे देखते हैं ये भी बताओ। कोई ऐसा कौशल बताइए जिसे आप कुशलतापूर्वक नहीं कर सकते थे पहले और अब करने लगे हैं, अब आप करने लगे हैं। एक साल पहले जो पेंटिंग बनाई थी या छह महीने पहले बनाई थी उसमें कौन सी चीज तुम नहीं कर पाए थे लेकिन अब तुम कर पा रहे हो, वो भी लिखो। तो कितनी चीजें, चीजों की सूचना छात्र के द्वारा छात्र ने खुश होकर के उसमें लिखी है। पहले कहाँ परेशानियां आती थी, दिक्कत आती थी, फिर इसके बाद हो सकता है उसकी स्केचिंग अच्छी हो गई हो, तो जो भी प्रोग्रेस हो रही है उन सबका वर्णन करना जरूरी है। सर, ये एक सवाल उठता है कि पार्श्वचित्र का प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि प्रबंधन किसी भी चीज़ का बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है, तो क्या किया जाए कि पार्श्वचित्र का प्रबंधन कैसे किया जाए कि वो प्रभावशाली हो सके। प्रबंधन से पहले एक महत्वपूर्ण बिंदु छूट गया, उद्देश्य निर्धारण प्रश्न और उद्देश्य निर्धारण प्रश्नों पर और टिप्पणी उस पर लिखनी होती है जी। तो लिखेंगे कि इस संपूर्ण कार्य की समीक्षा करने के बाद मैंने ये सीखा, छात्र अपना अनुभव लिखेगा, ऐसी कोई चीज जिसे आप इस कार्य के द्वारा सुधार सकते हो वो बताओ। ठीक है, इस तिमाही में, छमाही में, आज की समाप्ति पर वास्तविक उद्देश्य आपके कौन कौन से थे, या एक ऐसी चीज जिस पर मुझे अभी भी कार्य करने की आवश्यकता है, अभी भी मेरा सुधार नहीं हुआ है, जिसमें मैं कर सकता हूं, मैं प्रयास इसमें अभी सुधार की आवश्यकता है, प्रयास करूंगा। तो जब ये लिखेगा कि मुझे अभी भी सुधार की आवश्यकता है तो वो क्या कमजोरी पता चल रही है। ठीक है, तो इससे कमजोरी को दूर करने के लिए प्रयास करेगा, वो उद्देश्य निर्धारण में मालूम पड़ेगा। तो ये प्रयास प्रश्न होते हैं कि इस कार्य को पूर्ण करने में आपको कितना समय लगा, यह कार्य श्रेष्ठ और श्रेष्ठ हो सकता था यदि मैं इस कार्य के इस भाग पर और ध्यान देता और समय देता। क्या आपको लगता है कि कुशलता से करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता थी, यदि हाँ तो बताएं। तो बताएं। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, उसकी स्किल, प्रोफिशिएंसी, उसकी कुशलता, इन चीजों के बारे में पता चल जाएगा कि वो कितना कुशल हो गया है। ठीक है, तो इसका प्रबंधन के लिए आप निम्नलिखित प्रश्नों पर ध्यान दें कि पार्श्वचित्र का निर्माण सत्र के अंतर में करना चाहिए। अब तो हमारे शिक्षक समझ ही गए होंगे, हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या इंटरवल ले रहे हैं परिस्थिति के अकॉर्डिंग। जो है, क्या पार्श्वचित्र का निर्माण केवल कागज पर किया जाना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी कर सकते हैं, तो ये भी आपके उद्देश्य के ऊपर निर्भर है। कोई ऐसी चीज है जो कागज पर रखी जा सकती है तो कागज पर रखिए, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप में रख सकते हैं तो उसमें रखिए, जैसे नाटक का मंचन है, कोई गाने की गाने का कोई प्रोग्राम है, बना के दोनों रूप में जरूरत के अकॉर्डिंग आप जो है रख सकते हैं। उसके बाद अगला है, छात्र के रचनात्मक कार्य एवं टिप्पणी आदि को कहाँ रखा जाए, तो छात्र के कार्य व उन पर उनकी जो टिप्पणी है उनके विचारों को फोल्डर में ही रखा जाए, पोर्टफोलियो में, जो फोल्डर होता है, पोर्टफोलियो स्वयं में एक फोल्डर है, उसी में रखा जाए जो है। अब पार्श्वचित्र का संकलन एवं संचय कौन करेगा, पार्श्वचित्र का संकलन एवं संचय अध्यापक करता है लेकिन निर्माण छात्र करता है, जिसके लिए दिशा निर्देश अध्यापक तैयार करता है। अच्छा, अतः पार्श्वचित्र को कौन कौन देख सकते हैं और कब देख सकते हैं, हाँ, पार्श्वचित्र को अध्यापक, शिक्षक, हाँ, साथी, माता पिता, विषय विशेषज्ञ। अच्छा, विषय विशेषज्ञ को हम इसलिए भी बुलाते हैं कि जैसे कि किसी ने असाधारण कार्य किया है, आविष्कार किया है, तो जब छात्र ने आविष्कार किया है तो उसका एकश्र अधिकार की भी जरूरत है, बिल्कुल, उसका पेटेंट कराने की भी जरूरत है। हाँ, तो उस विषय विशेषज्ञ से हम मार्गदर्शन ले सकते हैं कि भाई कैसे कराया, क्या ये मौलिक कार्य है, हाँ, या पहले किसी ने कर लिया है, यदि मौलिक कार्य है तो बताइए इसकी प्रक्रिया क्या है। ठीक है, तो हमारे शिक्षकों को भी ये जिम्मेदारी है कि हमारे छात्र ने कोई नया काम किया है उसका पेटेंट कराएं। ठीक है, हमारे विद्यालय में, हमारी शिक्षा प्रणाली में करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम पेटेंटिंग में पीछे हैं। ठीक है, तो विशेष विशेषज्ञ की सहायता से हम जो है ये काम कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई छात्र मध्य सत्र में कोई जो है प्रवेश लेता है तो क्या करें,
तो जब से प्रवेश लिया है तब से ही काम चालू कर दो, ऐसा नहीं है कि जो है शुरू से लेके एंड तक किया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप जो है कर सकते हैं। और अगला महत्वपूर्ण चीज है इसका संप्रेषण, संप्रेषण कैसे, संप्रेषण कैसे, क्योंकि जब तब तक कोई भी चीज बेकार है जब तक उसका संप्रेषण ना हो। संप्रेषण पोर्टफोलियो क्योंकि माता पिता छात्र शिक्षकों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। पोर्टफोलियो संप्रेषण इसलिए जरूरी है कि छात्र को पता चलता है मेरे क्या सबल पक्ष हैं क्या निर्बल पक्ष हैं, और इन चीजों की जानकारी ना केवल छात्र को पता चलती है बल्कि माता पिता और शिक्षक को भी पता चलती है। ये स्वचिंतन में मदद करता है, उद्देश्य निर्धारण में मदद करता है। और सबसे बड़ी बात आप देखते हैं हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि हमारी शिक्षक की ट्रांसफरेबल जॉब होती है। बिल्कुल बिल्कुल, एक शिक्षक विद्यालय छोड़ के दूसरे विद्यालय में चला गया, अगर मध्य सत्र में चला गया तो उस छात्र का पोर्टफोलियो बना रखा है, तो नया शिक्षक वो देख लेगा कि भाई इसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या गुण है, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसको मालूम पड़ जाएगा। आजकल क्लासरूम्स में भी एक बच्चे का पूरा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड संचय अभिलेख को आगे ट्रांसफर होता रहता है, जिससे टीचर को पता चल जाता है, पता चल जाता है। ठीक है, अब नया किसी छात्र में जो है मैथमेटिक उसमें गाने में असाधारण है, पेंटिंग बनाने में असाधारण है, अब उसको समझने में 3-4 महीने लग जाएंगे, तब तक वो नए क्लास में नए क्लास में आ जाएगा। तो वहीं पे जो है मालूम पड़ जाए तो जो है टीचर को जो है मदद होती है इसमें जो है। और तो सर इसका मूल्यांकन करने का भी कोई तरीका है कि संप्रेषण ये जो पार्श्वचित्र है इसका निर्माण जब हो जाए संप्रेषण भी, तो उसका मूल्यांकन कैसे किया जाए? मूल्यांकन देखिए मैडम, जब आप किसी चीज का चुनाव पोर्टफोलियो में करते हैं तो एक तरह से मूल्यांकन हो जाता है कि ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है नहीं? क्योंकि वो सारे फैक्टर्स लिखता भी जाता है जो है, क्योंकि पहले ही बता दिया हमने, पहले ही बताया है अपने दर्शकों को कि जो छात्र का जो सर्वश्रेष्ठ कार्य है वही इसमें रखा जाता है, रखा जाएगा। फिर भी आप जो है मूल्यांकन करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके क्या मापदंड थे, क्या ये सर्वश्रेष्ठ कार्य उन मापदंडों में खरा उतर रहा है। यदि खरा उतरता है तो रखिए, बिल्कुल, नहीं तो नहीं रखिए। और इसका मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है एक वो रबरिक्स बना ले। अच्छा, ठीक है, जिसको मूल्यांकन निर्देशिका, मूल्यांकन निर्देशिका कहते हैं, निर्देशिका कहते हैं। और ये देखिए एक मूल्यांकन निर्देशिका है और इसमें कुछ मापदंड है, और मापदंड के जैसे हमने रेटिंग स्केल में बताया था पहले जो है 5 बिंदु पैमाना है, और हर एक जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जो है चित्रकारी के लिए एक रबरिक्स है, चित्रकारी देखिए उसमें सूचना, संपूर्ण सूचना कैसी है, चित्रकारी का संगठन कैसा है, संदेश जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा है, प्रदर्शन आकृति कैसी है, उसमें मौलिकता है कि नहीं, क्या सृजनात्मकता दिखाई दे रही है, ये आपने मापदंड बना लिए और आपने रेटिंग कर ली, और रेटिंग आपके जो है आपके मानदंडों के अनुसार है तो आप सम्मिलित करिए, नहीं करिए तो ये मूल्यांकन करने का तरीका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को ये बताया कि पार्श्वचित्र अभिलेख होता क्या है, इसको हम कैसे बना सकते हैं, इसके कितने प्रकार हैं, इसका संप्रेषण कैसे किया जाए, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए, क्योंकि किसी भी अध्यापक और अध्यापिका के लिए और बच्चे को क्लास में अपनी कक्षा में आगे बढ़ाने के लिए इस पोर्टफोलियो का निर्माण करना, पार्श्वचित्र का निर्माण करना ज़रूरी है, जिससे कि बच्चे की हमें उन्नति प्रोन्नति पता चलती है और हम कैसे उसको आगे बढ़ा सकें इस बात का भी हमें अंदाज़ा लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप यहाँ पर आए और आपने अपने विशेषज्ञता से हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया। हम इस सत्र की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और आशा है कि आप इस चर्चा से लाभान्वित हुए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।